नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फाइनली दोस्तों आपके रीट शिक्षा भर्ती के सर्टिफिकेट आ चुके हैं सभी जिलों में दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दोस्तों इसके जो केंद्र है वो बनाए गए हैं, वहाँ से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं या फिर दोस्तों बाहरी राज्यों के हैं तो वो घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, घर पर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, और बीएड लेवल फर्स्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई होनी है दोस्तों कल। जी हाँ दोस्तों, कल आपकी बीएड लेवल फर्स्ट को लेकर सुनवाई है। केस नंबर दोस्तों आपका 312 है दोस्तों, तो क्या अपडेट रहेगी दोस्तों उसको लेकर भी बात करेंगे, और लेवल फर्स्ट व टू की 2x होना कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों आज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आए उस हिसाब से आपकी कट ऑफ का अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रीट शिक्षा भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले प्राप्त करेंगे दोस्तों घर पर आपको सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। जी हाँ दोस्तों, घर पर आपको सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है तो उसको लेकर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर रीट परीक्षा 2021 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वितरण हेतु वितरण केंद्रों पर भिजवाए जा रहे हैं। वितरण केंद्रों की सूची रीट कार्यालय की वेबसाइट पर जारी की गई है दोस्तों। आप वहाँ से जो है अपने रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपके सर्टिफिकेट कौन से ज़िले में या फिर कौन से स्कूल में आएंगे दोस्तों, उसका पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपके जैसे ही आपके सर्टिफिकेट वितरण हो जाएंगे उसको जितने भी सर्टिफिकेट बचेंगे दोस्तों उनको कार्यालय अजमेर मंगवा लिए जाएंगे, और अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक के बाद सर्टिफिकेट प्राप्ति हेतु अजमेर रीट कार्यालय में आना होगा, अथवा कार्यालय में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट समन्वयक रीट के नाम भेजने पर डाक से मंगवाया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आप डाक के द्वारा भी 100 रुपये के मात्र खर्च के साथ जो है अजमेर बोर्ड से जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा भी दी गई है, जो बाहरी राज्यों के स्टूडेंट हैं परेशान हो रहे थे तो वो ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करूँ दोस्तों आपकी 2x होना कट ऑफ की, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आज सर्टिफिकेट लेने के लिए दोस्तों स्टूडेंट उमड़े। ये आपका सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से आपके यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखा है दोस्तों, परसेंटेज भी दे रखी है, और आपका लेवल फर्स्ट का है या लेवल सेकंड का उसकी भी डिटेल यहाँ पर पूरी दे रखी है दोस्तों। तो ये आपके सर्टिफिकेट आ चुके हैं, और सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो आप जल्दी से प्राप्त कर लें। आपके नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल में इसका वितरण किया जा रहा है दोस्तों, सीनियर सेकेंड स्कूल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी कुछ डिटेल है, ये आपको डिटेल देनी है दोस्तों। जैसे ही आप डिटेल इसमें डाल दोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो कौन से सेंटर पर कौन से स्कूल में आएंगे। चलिए अब 2x गुना कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपकी सुप्रीम कोर्ट में लेवल फर्स्ट को लेकर सुनवाई होनी है। आज पटना में भी दोस्तों बीएड बीएचटीसी को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई निर्णय निकल कर नहीं आया है, अगली सुनवाई की डेट दी गई है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आपकी कल अपडेट आ रही है कि सुनवाई होनी है बीएड लेवल फर्स्ट के विवाद को लेकर। एक यहाँ पर दोस्तों जो सर्टिफिकेट का पिछला भाग दोस्तों सबसे ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, उसमें बताया गया है कि पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि यह प्रमाण पत्र रीट कार्यालय अथवा अभ्यर्थी की स्व घोषणा एवं उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं किसी भी एनसीटी के निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता धारक है, यानी कि एनसीटी की गाइडलाइन का यहाँ पर दोस्तों जो है उल्लेख किया गया है। हालांकि एनसीटी की गाइडलाइन को राजस्थान में नहीं माना गया है, लेवल फर्स्ट में सिर्फ बीएचटीसी धारियों को ही रखा गया है। कल और सुनवाई होती है अगले 1-2 दिन में, तो आपको अपडेट करूंगा इसको लेकर। अब बात कर लेते हैं 2x गुना कट ऑफ की दोस्तों। कट ऑफ को लेकर अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों आपकी लेवल फर्स्ट लेवल सेकेंड की कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो हाइएस्ट जनरल की रहती है 78 तक जाएगी, बाकी सभी कैटेगरी की मिनिमम 75 तक जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एसएसटी में भी आपको 82 से 83 के मध्य कट ऑफ बन रही है 90-10 के अनुपात से, तो क्वालिफाइड हो जाएंगे आप। जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी की आप देख सकते हैं नीचे सभी की दे रखी है दोस्तों, क्योंकि जनरल की सबसे ज़्यादा रहती है। अगर मैथ साइंस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपकी 84 पॉइंट या 85 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। इसके बाद एसएसटी की रहेगी, हिंदी और संस्कृत की भी कट ऑफ आपको 80+, यानी कि 80% से नीचे बहुत ही कम चांसेस बनेंगे। हालांकि पीएच में या विकलांग कोटा में बन सकती हैं बस, या फिर दोस्तों अंग्रेजी में बनना दोस्तों आपके चांसेस नहीं बनने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट में दोस्तों परसेंटेज में भी या फिर आप नंबरों से देख लो, क्योंकि उसमें अनुपात नहीं चलता है, उसमें सिर्फ रीट के नंबरों के आधार पर ही कट ऑफ निकलेगी दोस्तों। 2x गुना कट ऑफ निकलेगी, फाइनल कट ऑफ निकलेगी।
तो कम से कम जो कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की 128 प्लस जाएगी, बाकी ओबीसी में लगभग आपको 124 से 126 के मध्य देखने को मिलेगी, ये आपकी कट ऑफ रहेगी दोस्तों। और एससी एसटी में 118 प्लस और एसटी कैटेगरी में 115 प्लस कट ऑफ जाने वाली है। बाकी पीएच में या फिर विकलांग कोटा या विधवा विडो की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों कट ऑफ 110 तक भी जा सकती है। तो ये आपका कट ऑफ का वर्डिंग है। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।